राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के उपरांत आज 30 अक्टूबर से प्रारंभ नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कोटपूतली में एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। रिटर्निंग अधिकारी SDM मुकुट सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर से प्रारंभ नामांकन प्रक्रिया की पहले दिन कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया, जबकि 6 नवंबर 2023 तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि 5 नवंबर रविवार के दिन नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकेगा। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसके तहत 30 अक्टूबर 2023 से सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो लगातार 6 नवंबर 2023 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया शुरू रहेगी, जिसमें 5 तारीख को रविवार को अवकाश को छोड़कर उसके बाद में 7 तारीख को सुबह 11 बजे से स्क्रूटनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके तुरंत बाद अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेने की प्रक्रिया 9 तारीख को 3 बजे तक जारी रहेगी, जिसके तहत कोई भी अभ्यर्थी अगर अपना नाम विड्रॉ कराना चाहता है तो अपना नाम वापस ले सकता है। एक अभ्यर्थी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, जिसमें अधिकतम वो 4 फॉर्म दाखिल कर सकता है। 25 नवंबर 2023 को पोल डे की प्रक्रिया शुरू होगी, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जारी रहेगी, और मेरी मतदाताओं से अधिक मतदाताओं से यही अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और मतदान करें। जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा बार बार निर्देशित किया गया है कि भाई स्वीप के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस की गई है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और मेरी भी सभी से यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें।